हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 13.2। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है ना। आपको इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है। देखिए, इक्वल से पहले 3/2 लिखा है और प्लस 3/4 लिखा हुआ है। इक्वल के बाद 3/5, ये 3/5 था भाई, यहाँ पे यहाँ 3/5 है। तो जो इक्वल वाली साइड में इधर दो फ्रैक्शन है और इधर एक फ्रैक्शन है। स्टूडेंट, जो फ्रैक्शन इधर से इधर नहीं है वो ये आपको इधर लिखनी है। तो 3/4 फ्रैक्शन इधर नहीं है इक्वल के अलावा। तो हमें इससे 3/4 को यहाँ लिख देना है, ठीक है जी। ये भी, ये 3/5 है, ये 3/4 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे एक ही आंसर आएगा। अब 3/4 है और 3/5 है, इन दोनों को भी जब डिजिट एक जैसे होते हैं तो आंसर एक जैसे आता है, तभी इक्वल होती है, ठीक है जी। अब इधर 1, 2, 3 फ्रैक्शन है, इधर 1, 2 फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन नहीं है। 1/2 इधर है, इधर भी है। 2/3 इधर है, इधर भी है। तो 3/4 नहीं है, तो हम यहाँ 3/4 लिख देंगे, ठीक है जी। अगर कोई भी डिजिट हो, अगर हम उसमें 0 ऐड करें तो सेम का सेम रिजल्ट रहता है। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 6/1/8, ये आंसर रह जाएगा। और इसमें भी 0 ऐड कर रहे तो ये भी सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है जी। अब इक्वल इधर ब्लैंक्स है, इधर 5/4/9 है और 3/7/9 इधर है, ये रही इधर, तो ये वाली डिजिट नहीं है, तो हम इसे इधर लिख देंगे 5/4/9, ठीक है जी। अब इधर 1, 2, 3 है, इधर 2 है, तो कौन कौन सी इधर है, ये भी है 4/15 और 2/25 भी है, तो क्या नहीं है, 1/3 नहीं है, तो 1/3 हम यहाँ लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो ये जो न्यू स्टार मैथ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उन्हें भी अपनी वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।